श्री बृहद भागवत अमृत गोलोक महात्म खंड ज्ञान नामक द्वितीय अध्याय है। अध्याय प्रारंभ। इस दूसरे अध्याय में स्वर्ग एवं महर्लोक आदि की उत्तरोत्तर महिमा वर्णन की गई है और समाधि अवस्था में जो अंतः साक्षात्कार होता है उसकी अपेक्षा भगवत भक्ति से नेत्रों द्वारा साक्षात्कार का अधिक उत्कर्ष प्रतिपादित करते हुए मुक्ति से भक्ति का सर्वतोभावेन उत्कर्ष प्रदर्शित किया गया है। श्री गोप कुमार बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं फिर मथुरा चला गया। श्री विश्रांत घाट पर स्नान कर इस वृंदावन में आ पहुंचा और यहाँ तथा श्री गोवर्धन यमुना पुलिन आदि में यथेष्ट भ्रमण करने लगा। मैं अपने पहले बंधु बांधवों से अलक्षित भाव से रहता था, गोरस पान कर जीवन धारण करता था। अपने मंत्र का जाप करते हुए मैंने कुछ दिन यहाँ सुख से बिताए। इसके पश्चात मेरी श्री जगदीश के दर्शन करने की फिर तीव्र उत्कंठा हुई। मैं इस श्री वृंदावन में उनको ना देखकर पुरुषोत्तम क्षेत्र की स्मृति करने लगा। आर्त होकर अर्थात ब्रजभूमि के त्याग जनित दुख से व्याकुल होकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मैं फिर उड़ीसा देश को चल पड़ा। रास्ते में श्री गंगा जी के तट पर मैंने स्वधर्म नित्य नैमित्तिक आदि कर्म आचरण करने वाले उन ब्राह्मणों को देखा जो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के जानने वाले थे। उनसे मैंने यह सुना कि ऊपर कोई एक देवलोक है जिसको स्वर्ग कहते हैं, जो बहुत से विमानों से सुशोभित है और जो सब प्रकार के भय और दुखों से रहित है। वहाँ जरा मरण रोग और कोई दोष नहीं है। इस भारतवर्ष में जो लोग उत्तम पुण्य करते हैं उनको वहाँ अवस्थान प्राप्त होता है। वहाँ के अधिपति श्री इंद्र हैं, जो श्री जगदीश अर्थात श्री वामन भगवान के बड़े भाई हैं। यद्यपि पाताल आदि भी श्री विष्णु भगवान तथा शेष आदि स्वरूपों से सुशोभित हैं और भौम स्वर्ग से भिन्न भिन्न द्वीपों में विचित्र प्रकार से श्री कृष्ण के पूजा उत्सव होते रहते हैं, तो भी तो ऊर्ध लोक में जो स्वर्ग है वह पाताल तथा भौम स्वर्ग से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उन लोगों के ऊपर है। वहां साक्षात श्री विष्णु भगवान अदिति नंदन स्वरूप से रहते हैं, जिनका नाम उपेंद्र है तथा जिनकी अद्भुत महिमा सुनी जाती है। भगवान श्री विष्णु कृष्ण भौम स्वर्ग तथा बिल्व स्वर्ग में सर्वत्र अनेक मूर्ति धारण कर विराजमान हैं। सुतल में श्री त्रिविक्रम रूप से वे राजा बलि के द्वारपाल होकर विराजमान हैं और शेष रूप से पाताल में पृथ्वी को धारण करते हुए विराजमान हैं। श्री विष्णु ही श्री कपिल देव रूप से अतल में एवं श्री रुद्रादि रूप से वितल में। इस प्रकार असंख्य रूपों से श्री विष्णु बिल्व स्वर्ग अर्थात भूलोक के नीचे वाले लोकों में निवास करते हैं। भिन्न भिन्न दीपों एवं वर्षों में अनेक मूर्ति धारण कर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और वहां पूजित होते हैं। उनके सर्वत्र अनेक पूजा महोत्सव मनाए जाते हैं। तथापि स्वर्गलोक भौमलोक और बिल्व स्वर्ग से विलक्षण हैं और विशेष गुणयुक्त हैं। वह दिव्यानी है अर्थात देवलोक का लोक है। वहां श्री भगवान उपेंद्र नाम से विराजमान है। वहां उपेंद्र भगवान श्री गरुण पर चढ़कर इधर उधर विहार करते रहते हैं, विघ्न करने वाले असुरों का वध करते हैं। वह अपनी मनोहर लीला तथा वाणी से देवताओं को निरंतर आनंद प्रदान करते हैं। देवगण उनको अपना भाई समझकर उनका पूजन प्रदान करते हैं। उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से इस प्रकार सुनकर श्री उपेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हुआ। फिर मैंने उस लोक की प्राप्ति के संकल्प से अपने मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया, जिसका फल ऐसा हुआ कि थोड़े ही काल में एक विमान आया और मैं प्रसन्नचित होकर उस पर चढ़कर स्वर्ग चला गया। वहां मैंने उन श्री विष्णु भगवान के दर्शन किए, जिनकी श्री मूर्ति के गंगा तट पर राजा के मंदिर मैंने पहले में किया था। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं,
देवगणों से आवृत हैं एवं गरुण पे विराजमान है। उनकी श्री नारद जी मधुर मधुर वीणा बजाते हुए स्तुति करते हैं। तब मुझको यह निश्चित हुआ कि जिन भगवान की प्राप्ति तथा दर्शन के लिए मैं दीर्घकाल से लालायित हो रहा था, उनकी दर्शन कर अब मैं कृतकृत हो गया हूँ। मैंने दूर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री उपेंद्र भगवान ने कृपा भरी मधुर वाणी से मुझे अपने निकट बुला लिया और वे इस प्रकार कहने लगे, हे गोप कुमार, तुम इस स्वर्ग में आए हो, बहुत अच्छा हुआ। अब दंडवत प्रणामों को रहने दो, निर्भय होकर मेरे निकट आओ। उनकी आज्ञा से श्री इंद्र ने मेरे लेने के लिए देवताओं को भेजा। वे मुझको आदरपूर्वक उनके समीप ले गए और प्रयत्न से मुझको वहां बैठा दिया। फिर उन्होंने मुझको नंदन नामक उद्यानों में ठहर कर वहां पर मुझे ठहरा कर दिव्य अमृत आदि भोगी पदार्थों से तृप्त किया, जिनसे मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वहां मैंने अनेक प्रकार का भय, किसी भी प्रकार के भय, रोग, शोक, मृत्यु, ग्लानि, दुख और जरा को बिल्कुल भी नहीं देखा। वहां कुछ कुछ दोष भी थे, परंतु जगदीश के दर्शनों से जो सुख मुझे प्राप्त हुआ था, उन पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। श्री इंद्र उन श्री उपेंद्र भगवान के भाई ईश्वर तथा रक्षक भाव से स्वर्ग की विभूति द्वारा प्रतिदिन अर्चना करते हैं। मैं मन ही मन मैं यह विचार करने लगा, यह इंद्र धन्य है, भगवान ने इनको सब उपद्रव मिटाकर वह स्वर्ग स्थान प्रदान किया है। इंद्र उस त्रैलोक के ईश्वरत्व को प्राप्त करके आनंद से वहां के दिव्य दिव्य उपहारों तथा श्री उपेंद्र भगवान की स्वयं पूजा करते हैं, जिनको प्रभु साक्षात स्वरूप से ग्रहण करते हैं। इंद्र का सौभाग्य देखकर मैं मन ही मन विचार करने लगा, क्या मुझ पर भी भगवान इसी प्रकार कृपा करेंगे। इस संकल्प से जप करता हुआ मैं वहां रहने लगा। इसके पश्चात इंद्र किसी मुनि गौतम की भार्या को बलपूर्वक दूषित करके लज्जा और साप के भय से कहीं अन्य स्थान पर कमल की नाल में जा छिपे। देवताओं ने उनका बहुत प्रकार से अन्वेषण किया, परंतु वे इंद्र नहीं मिले। इंद्र की वहां नहीं होने से त्रिलोकी में बड़े बड़े उपद्रव होने लगे। तब श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से बृहस्पति जी ने देवताओं को मुझे इंद्र पद पर अभिषिक्त करने के लिए कहा। फिर उन्होंने माता अदिति की अनुमति से मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैंने माता अदिति, सची, श्री गुरु बृहस्पति तथा और भी ब्राह्मणों को सम्मान करते हुए त्रिलोकी में श्री विष्णु भगवान की भक्ति को नित्य पूर्ण रूप से प्रभावित प्रवृत्त कर दिया। जैसा मैं पहले चक्रवर्ती राज्य पाकर भी भक्ति के प्रभाव से अकिंचन रहता था, उसी प्रकार से वहां भी उस नंदन वन में सदा अकिंचन रूप से वास करने लगा। मंत्र जप को मैंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि जिसके प्रभाव से मैंने इतना वैभव प्राप्त किया है, उसे छोड़ने में मैं कृतघ्न हो जाता। वहां भी मुझे इस ब्रजभूमि की स्मृति भूली नहीं। श्री ब्रजभूमि के विच्छेद के कारण शोक और दुख से तप्त रहने के कारण मेरा मुख सूखने लगा। तब उपेंद्र भगवान ने यह देखा कि वे अपने हस्त कमल को बार बार मेरा स्पर्श कर रहे हैं और मधुर मधुर वचनामृत से मुझको प्रसन्न करने लगे। श्री भगवान मुझको अपने बड़े भाई की तरह मानकर मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे दिए हुए भोग पदार्थों का भोजन करने लगे। इससे फिर मैं वृक्ष की तरह विरह रूपी दुख को कुछ देर के लिए भूल गया। मैं भी नई नई सामग्रियों से छोटे भाई की तरह तरह से स्नेह भावों से उनका लालन कर उन्हें संतुष्ट करने लगा। इस प्रकार उन्होंने जब मुझको स्वस्थ देखा तो वे किसी अन्य स्थान पर चले गए। वे उपेंद्र भगवान कहाँ रहते हैं इसका कोई नहीं जानता, इसलिए मैं उनके स्वर्ग में सदा दर्शन नहीं कर पाता था। इसी कारण मैं फिर शोकातुर होकर रहने लगा। फिर मेरी यह इच्छा हुई कि मैं नीलाचल जाकर श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूं, जो सदा अचल स्वरूप से वहीं विराजमान हैं और जिनका अपने आश्रितों पर बड़ा वात्सल्य है। मेरी अवस्था को जानकर श्री विष्णु भगवान बीच बीच में फिर मेरे पास आते और पहले की तरह मुझ पर कृपा करते। मेरी सब मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाती, उनका भावी विरह दुख भी
फिर मुझे तप्त नहीं करता था, क्योंकि मुझको उनके फिर दर्शनों की आशा बनी रहती थी। हे ब्रह्मन, इस प्रकार इंद्र पदवी पर मैं देवताओं के प्रमाण से एक वर्ष पर्यंत आनंद पूर्वक रहा। अकस्मात वहां एक दिन भृगु ऋषि आए, जो कृपा करके अपने चरणारविंदों से तीर्थों को प्रवृत्त करते हुए, पवित्र करते हुए इस भूमि मंडल पर घूम रहे थे। उनको देखकर सब देवता ऋषि तथा बृहस्पति सहित श्री विष्णु भगवान ने उनका आदर सहित पूजन किया। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो मैं नया था, दूसरे श्री विष्णु भगवान के सेवा नंद में मेरा हृदय निमग्न था, इसलिए मैंने उनको पहले नहीं पहचाना। परंतु अपने देवताओं से प्रेरित होकर मैंने उनका भी पूजन किया। तब भी भृगुनंदन आदि ऋषि मुझको आशीर्वाद देकर मेरी प्रशंसा करते हुए सुखपूर्वक वहां से चले गए। जब श्री उपेंद्र भगवान भी वहां से चले गए, तब मैंने देवताओं से पूछा, मनुष्य तो देवताओं का पूजन नहीं करते, आप इन देवगण भी इनका पूजन करते हैं? मनुष्य तो देवताओं का पूजन करते हैं और आप इन देवगण के भी पूजन कर रहे हैं, ये कौन थे? इनकी क्या महिमा है और ये बड़ी तपस्वी कहाँ रहते हैं? उन देवताओं ने बड़ी अभिमानी होकने से अपनी मत्सरता और लज्जा से कुछ नहीं बताया, परंतु गुरु बृहस्पति जी इस प्रकार कहने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, इस स्वर्ग लोक से ऊपर एक महरलोक है, जिसको बड़े बड़े शुभ करने वाले ही प्राप्त करते हैं। वह त्रिलोकी के प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होता है, ब्रह्मा के परमायु काल पर्यंत अवस्थान रहता है। जैसे चक्रवर्ती राजा के सुख से इंद्र पदवी का सुख कोटि गुणा अधिक होता है, इसी प्रकार इंद्र पदवी के सुख से प्रजापति का सुख करोड़ों गुणा अधिक होता है। यह श्री भृगु आदि प्रजापति हैं, अतिशय सुख का अनुभव करते हुए ये महरलोक में निवास करते हैं। ये बड़े बड़े यज्ञों द्वारा साक्षात यज्ञेश्वर भगवान का पद पद पर पूजन करते हैं। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह सब सुनकर उसी समय ही मेरा इंद्रपद से मन हट गया। मेरी उन यज्ञेश्वर भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई, जो महापूज्य देवताओं के भी पूजनीय हैं और भृगु आदि प्रजापतियों द्वारा सेवित हैं। उनके दर्शन के संकल्प से जब मैंने मंत्र जाप किया, तो बहुत जल्दी ही मैं व्योमयान द्वारा ऊपर को उठकर उस लोक में जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने जिस निर्दोष तथा अनिर्वचनीय सुख वैभव का तथा भगवत भजन का अनुभव किया, वह त्रिलोकी में कहीं नहीं है। वहां बड़े बड़े महर्षि भक्ति परायण होकर महान हजारों यज्ञों के अनुष्ठान करते हैं, और उन यज्ञ कुंडों से श्री यज्ञेश्वर भगवान प्रकट होकर यज्ञ के भागों को ग्रहण करते हुए विहार करते हैं। उन यज्ञ पुरुष भगवान का तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। उनके अंग प्रत्यंग समस्त जगत के मन को हरण करने वाले हैं। वे स्वयं अपने हाथों को पसार पसार के चरु ग्रहण करते हुए यज्ञ करने वालों को अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। उनके दर्शन से मैं एक बार तो अपने कर्तव्य को भूल गया, फिर आनंदित होकर मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। तब उन्होंने अपनी दया युक्त कोमल वाणी से मुझको अपने पास बुलाया और स्वयं अपने हाथों से उच्छिष्ट महाप्रसाद मुझको दिया। उसको प्राप्त कर मुझको अपूर्व आनंद हुआ। उनकी अतिशय कृपा से मेरी जगदीश दर्शन करने की वांछा पूर्ण हो गई। उन दयालु महर्षियों के साथ इधर उधर घूमते हुए मैंने प्रत्येक घर में भी उसी प्रकार श्री जगदीश्वर यज्ञ पुरुष भगवान के दर्शन किए। यह बात स्वर्गलोक में नहीं थी, अतः मैंने अब अपने आप को पूर्ण रूप से कृतार्थ माना और मैं आनंद से वहां रहने लगा। तब भी महर्षि लोग मुझसे इस प्रकार कहने लगे। श्री महर्षिगण बोले, हे गोप कुमार, आप वैश्य पुत्र हो, इस लोक में केवल ब्राह्मण ही निवास कर सकते हैं, अतः हम आपको ब्राह्मणत्व देते हैं, आप उसको जल्दी से स्वीकार करें। आप भी हमारे समान महर्षि होकर
यज्ञ द्वारा इन यज्ञेश्वर भगवान की पूजा किया करें, जिनके दर्शन करने के लिए आपकी बहुत दिनों से अभिलाषा है। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह सुनकर मैंने आपने मन में यह विचार किया कि वैष्णव होने से तो मुझको बड़ा सुख है, क्योंकि इससे मैं अपने प्रभु और उनके भक्त ऋषियों की सेवा कर सकता हूँ। इन ऋषियों की एकमात्र यज्ञ में ही निष्ठा है। जब मैं इनकी सदृश ऋषि हो जाऊंगा, तब अपने सदगुरु के दिए हुए मंत्र के जप में मेरी श्रद्धा कम हो जाएगी, जो साक्षात फल देने वाला है। अतः मैंने उनको विनयपूर्वक सम्मान दे दिया, परंतु ब्राह्मणत्व को स्वीकार नहीं किया। मैं वहां पर लोक के प्रभाव से प्रजापतियों के सदृश महासुख का अनुभव करते हुए रहने लगा। वहां किसी प्रकार का दोष, शोक, शंका आदि नहीं है और ना कोई विषय भोग आदि कार्य है। केवल यज्ञेश्वर भगवान की प्रीति के लिए यज्ञों के उत्सव होते रहते हैं। अब आगे महर लोक से भी श्री गोप कुमार का कैसे वैराग्य हुआ, उसका उपक्रम कहते हैं। श्री गोप कुमार ने आगे कहा, किंतु यज्ञ समाप्त होने से जिस समय भगवान अंतर्धान हो जाते थे, उस समय मुझको बड़ा दुख होता था। फिर जब यज्ञों के अधिष्ठान से भगवान पुनः प्रकट होते थे, तब मुझे सुख होता था। सहस्त्र चतुर्युगों के या ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में त्रिलोकी का प्रलय हो जाता था। उस प्रलय में यह त्रिलोकी दग्ध होने लगती थी, तब उसका ताप उस महरलोक तक पहुंचता था। उस समय में ऋषि लोग वहां रहने में असमर्थ होकर जनलोक चले जाया करते थे। मैं भी उनके साथ वहां चला गया। जनलोक में रात्रि के होने पर यज्ञ नहीं होते, इसीलिए यज्ञेश्वर भगवान का दर्शन भी वहां तब तक नहीं होता। त्रिलोकी के प्रलय के समय में जो ताप होता है, उससे भी कहीं अधिक ताप भगवत दर्शन के बिना मुझे अनुभव होने लगा। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई, अब मुझे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर अक्षय वट की छाया में श्री जगन्नाथ के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि वह क्षेत्र प्रलय काल में भी यथावत अवस्थान रहता है। तब मैं फिर जनलोक से महरलोक लौट आया और वहां आकर पहले की तरह मैं अपने मंत्र का एकांत स्थान में जप करता रहा। उसके प्रभाव से मुझको इस ब्रज भूमि के दर्शन करने की इच्छा सताने लगी, परंतु जब यज्ञ करने से श्री यज्ञेश्वर भगवान फिर प्रकट हुए, तो उन्होंने मुझको प्रीति से अपने निकट बुलाया, मेरे समर्पण किए हुए भोग पदार्थों को पाया। उससे मेरा सब दुख इस प्रकार नष्ट हो गया जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। यद्यपि रात्रि में श्री भगवान के दर्शन नहीं होते थे, तो भी पुनर्दर्शन की आशा में प्रसन्न ही रहता था और किसी अन्य जगह जाने की इच्छा नहीं करता था। यद्यपि महरलोक और जनलोक में प्राय कोई भेद नहीं है, तथापि महरलोकवासी प्रलय के जल में, प्रलय काल में जनलोक चले जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ प्रलय काल में श्री संकर्षण मुख से निकली हुई तीव्र ज्वालाओं से महरलोक में होने वाला ताप दुख नहीं देता। इतनी ही जनलोक की विशेषता है। अब अगले श्लोक में जनलोक से ऊपर स्थित तपलोक में उत्कर्ष को दिखाते हैं। वहां एक बार महातेजस्वी दिगंबर, जिनकी अवस्था 5 वर्ष के बालकों की सदृश प्रतीत होती है, कोई महापुरुष ऊर्ध्वलोक से आए। उनको देखकर उन भृगु आदि ऋषियों ने अपने अपने यज्ञ कर्म को छोड़ दिया और सबने उठकर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उन ध्याननिष्ठ महापुरुषों का यज्ञेश्वर भगवान की तरह पूजन किया गया। जब वे दिगंबर अपनी इच्छा से कहीं चले गए, तब मैंने उन महर्षियों से पूछा, वे कहाँ रहते हैं, कौन हैं और आप लोगों ने उनका पूजन क्यों किया? श्री महर्षिगण बोले, इनका नाम श्री सनत कुमार है। ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता गुणों में हैं और हमसे श्रेष्ठ हैं। ये बड़े व्रत को धारण करने वाले हैं तथा आत्माराम व आप्तकाम मुनि आदि के आदि गुरु हैं। ये सदा ब्रह्मचारी रहते हैं। ये इस महरलोक से ऊपर तपोलोक में अपने और 3 भाइयों और तथा इनके समान ही कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन आदि अनन्य योगी योगिंद्रियों के साथ निवास करते हैं। उस तपलोक में नैष्टिक ब्रह्मचारी ही जाते हैं। वहाँ सदा मंगल रहता है। वहाँ के नैष्टिक ब्रह्मचारियों को जो सुख होता है, वह प्रजापतियों के सुख से कोटि गुणा अधिक है। जैसे यज्ञेश्वर भगवान पूजनीय हैं, उसी प्रकार से ये भी, विशेषता हमारे जैसे गृहस्थियों को
अपने अपने कामों को छोड़कर इनकी पूजा करनी चाहिए। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह सुनकर मैंने मन में विचार किया, उस लोक में किस प्रकार का सुख है, वहाँ इन जैसे कितने योगेंद्र हैं और उनके पूज्य श्री भगवान भी वहाँ किस प्रकार के हैं, यह देखना चाहिए। इस प्रकार विचार करके उनके दर्शन की इच्छा से एकाग्रचित होकर जब मैंने अपने मंत्र का जाप प्रारंभ किया, तब मैं परम तेजस्वी होकर शीघ्र ही तपलोक में चला गया। वहाँ जाकर मैंने श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और इनके चौथे उन्हीं श्री सनत कुमार के भी दर्शन किए। उस लोक में इन्हीं के सदृश अनेकों योगेंद्र थे जो इनका सम्मान कर रहे थे। वे परस्पर आनंदित होकर कुछ ऐसे सत्संग का वार्तालाप कर रहे थे जो मुझ जैसों के लिए समझना भी कठिन है। यद्यपि सनकादियों में श्री भगवान के लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं, तो भी इनके दर्शनों से स्वाभाविक मुझको बड़ा आनंद हुआ। जब वे ध्यान निष्ठ योगेंद्र अपने अपने स्थानों पर चले गए, तो मैं वह यह समझकर कि वहाँ भी स्वर्गलोक की तरह श्री जगदेश्वर रूप प्रकट से विराजते होंगे, उनके दर्शन करने के लिए इधर उधर भ्रमण करने लगा, परंतु मुझको कहीं भी उनके दर्शन नहीं हुए। तब मैंने उन महामुनियों से इस संबंध में पूछा, परंतु उन्होंने बार बार स्तुति प्रणाम करने पर भी मेरी ओर देखा तक नहीं, क्योंकि वे सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, प्रायः समाधिस्थ ही रहते थे, आत्माराम पूर्ण काम थे एवं अनेक प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा कर रही थी। श्री गोप कुमार की श्री जगदूसर के दर्शनों की इतनी उत्कट अभिलाषा था कि वह पूर्ण ना हो रही थी, अतः उत्कृष्ट लोकों में विशिष्ट भगवत दर्शन के लिए जाते थे। तप लोक में उन्होंने श्री सनकादि के दर्शन किए। वे श्री भगवान की भांति चतुर्भुज नहीं थे, न ही संघ चक्र आदि धारण कर रहे थे। उनमें श्री भगवान की भांति माधुर्य ऐश्वर्य भी न था, परंतु श्री गोप कुमार को उनके दर्शन से स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति हुई। श्री सनकादि भगवत अवतार हैं, वे परम आनंद स्वरूप हैं, अतः उनके दर्शन से आनंद प्राप्ति होना स्वाभाविक ही है। परंतु जिस समय श्री गोप कुमार ने महर्ण लोक में श्री सनत कुमार आदि के दर्शन किए, उस समय उन्हें कुछ विशेष आनंद की प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः ऐसा लगता है तप लोक का ही स्वभाव है कि वहाँ स्वतः आनंद की प्राप्ति होती है, अथवा तप लोक में ही श्री सनकादि के दर्शन से विलक्षण आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि स्थान विशेष तथा अधिकार विशेष के कारण ही सबकी विशिष्ट महिमा प्रकाशित हुआ करती है। श्री सनकादिगण, महर्षिगण तथा उनकी पूजा करने वाले अन्य अन्य महर्षिगण जब वहाँ से अंतर्धान हो गए, तो श्री गोप कुमार ने यही समझा कि इस लोक में भी श्री भगवान कहीं न कहीं विराजमान होंगे, उनके दर्शन करने चाहिए, अतः वे इधर उधर भ्रमण करने लगे। परंतु वहाँ किसी भी भगवत स्वरूप के उन्हें दर्शन न हुए। पुनः जब पूजा के समय सब महर्षिगण एकत्रित हुए और गोष्ठी करने लगे, तब गोप कुमार ने इस संबंध में उनसे जिज्ञासा की और उनकी स्तुति की, परंतु उन्होंने उनके इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर देने की बात तो दूर है, गोप कुमार की ओर देखा तक नहीं। उसका कारण यह है कि वे समस्त मुनिगण आत्माराम हैं, वे सदा समाधिस्थ रहते हैं, आत्मा को छोड़कर और किसी विषय में ध्यान ही नहीं देते, वे पूर्ण काम हैं, उनका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। अब गोप कुमार ने आगे कहा, श्री भगवान के दर्शन करने की मेरी बड़ी अभिलाषा थी जो सफल नहीं हुई, बल्कि उनके संग प्रभाव से वह आशा भी जाती रही, तो उनका प्रभाव देखकर मैं वहाँ से कहीं अन्यत्र जा भी नहीं जा सकता था, परंतु मैंने गुरु आज्ञा के गौरव से तथा साक्षात फल प्राप्ति होने से उस मंत्र के जाप को नहीं छोड़ा। उस स्थान के प्रभाव से मेरा चित्त प्रसन्न हो रहने लगा, जिससे मुझे जप में अधिक आनंद आने लगा। तब उस जप के प्रभाव से भगवत दर्शन करने की मेरी इच्छा बढ़ गई एवं तपलोक का आनंद फीका पड़ गया। तब मेरी यह अभिलाषा हुई, मैं नीलाचल पर सदा विराजमान श्री जगन्नाथ का चलकर दर्शन करूं, यह जानकर पिपलायन योगेंद्र कहते हैं। श्री पिपलायन योगेंद्र बोले, हे गोप कुमार, आप इस महान पद को छोड़कर दूसरी जगह आ जाने की इच्छा क्यों कर रहे हो? परमेश्वर अर्थात नेत्रों से अगोचर प्रभु को अपने नेत्र से देखने के लिए इधर उधर क्यों भटक रहे हो? आप अपने मन में समाधि में स्थिर कीजिए, अतः स्वतः ही आपको भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे,
मन जब समाधिस्थ होता है तो भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। वे परमेश्वर सर्वत्र बाहर भीतर सदा साक्षात की तरह अवस्थित रहते हैं। वे परमात्मा श्री वासुदेव भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। चित्त की पूर्णतः शुद्ध होने पर उनमें से उनकी स्फूर्ति होती है, अन्य किसी प्रकार से उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे भगवान के नेत्रों द्वारा श्री भगवान के नेत्रों द्वारा दर्शन भी वास्तव में चित्त से ही होते हैं, क्योंकि उस अवस्था में मन की और कोई वृत्ति न रहकर एकमात्र उनकी ही स्फूर्ति होती है। वाक, नेत्र, स्रोत आदि इंद्रियों की वृत्तियां मनोवृत्तियों के अधीन है, इसलिए मन में सुख का संचार होने से सब इंद्रियां स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। मनोवृत्ति के बिना और सारी इंद्रियों की वृत्तियां निष्फल हैं, क्योंकि जब तक मन अनुभव नहीं करे तब तक इन वृत्तियों के किए हुए कर्म बिना किए ही सदृश हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्त वात्सल आदि गुणों के अधीन होकर भक्तों के नेत्र गोचर हो जाया करते हैं, जैसे श्री ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों के नयन गोचर हुए, परंतु यह दर्शन भी ज्ञान की दृष्टि से संयोग से ही है। नेत्रों को या भगवान को भक्त को दर्शन करने का केवल अभिमान मात्र ही होता है, यद्यपि श्री भगवान की करुणा शक्ति से ही उनके साक्षात दर्शन बाहरी नेत्रों को प्राप्त होते हैं, तो भी दर्शन के आनंद को तो मन ही अनुभव करता है, क्योंकि आनंद की अभिव्यक्ति का स्थान मन ही है। श्री भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और उस समय भी मन ही दर्शन के आनंद को अनुभव करता रहता है, इसलिए मन ही उस सुख को अनुभव करने के लिए श्रेष्ठ पात्र है। उन्होंने आगे कहा, श्री भगवान की कृपा इतनी बढ़ जाती है, मन का आनंद भी उसके अनुसार उतना बढ़ता रहता है, परंतु मन को छोड़कर अन्य अन्य बाह्य इंद्रियां उतने वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, इसलिए उतना अधिक सुख भी अनुभव नहीं कर सकती हैं। ध्यान में श्री भगवान का दर्शन करना भी साक्षात दर्शन के बराबर ही है। श्री भगवान उसी रूप में साक्षात की तरह विशेष कृपा भी करते हैं, इसमें श्री ब्रह्मा जी प्रमाण है। श्री भगवान की साक्षात दर्शन भी केवल भक्तों को ही उत्कर्ष देने वाले हैं, परंतु कंस, दुर्योधन आदि के लिए उनके दर्शन केवल भय, दोष आदि के कारण बन जाते हैं। परमानंद घन स्वरूप श्रीमन नारायण सब इंद्रियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, परंतु मधुकैटभ आदि दुष्ट असुरों का उनके साक्षात दर्शन करने पर भी दुष्ट स्वभाव दूर नहीं हुआ, जो सबको पीड़ा देता है। अब यह प्रश्न होता है कि भगवान आनंद स्वरूप हैं, फिर उनके दर्शन से असुरों को भी आनंद होना चाहिए। इसके उत्तर में कहते हैं, श्री भगवान आनंद स्वरूप होते हुए भी अपनी भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए तथा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ना घटने वाली बात को भी घटा देते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। उपर्युक्त इन अनेक श्लोकों में श्री प्रपलायन मुनि ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि नेत्र, कान आदि बाहर इंद्रियों की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती जब तक उनके साथ मन की वृत्ति का संयोग ना हो, और सुख और दुख का भी अनुभव केवल मन को ही होता है। इसी प्रकार श्री भगवान के दर्शनों में भी सुख का अनुभव करने का एकमात्र कारण मन ही है। अवश्य मन परिच्छिन्न और जड़ वस्तु है, परंतु जीवात्मा लिंग शरीर रूप मन के स्वरूप में आसक्त होकर मन के गुणों के साथ आप स्वयं भी गुणवान हो जाता है, ऐसा उनका मत है। किंतु वास्तव में साधन भक्ति से मन शुद्ध होता है और भगवत कृपा से ही उनके रूप लीला आदि माधुर्य का आनंद प्राप्त करने की योग्यता मन प्राप्त करता है। साक्षात दर्शन की भांति अंतर्दृष्टि युक्त अर्थात ध्यानस्थित होने पर भी श्री भगवत कृपा से आनंद अनुभव होता है, यहाँ तक कि श्री भगवान उस अवस्था में वर प्रदान भी करते हैं, संभाषण स्पर्श भी करते हैं, अर्थात ध्यान अवस्था में भी करते हैं, अर्थात ध्यान अवस्था में भी उनकी कृपा पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जैसे श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी। समाधि में ही उनको श्री भगवान के भगवान ने अवतरण होने का प्रदान प्रदान किया था। श्री मुनिवर ने आगे कहा, यह भी स्पष्ट ही कहा गया है कि श्री भगवान के केवल साक्षात दर्शन से ही परम सुख की प्राप्ति नहीं होती,
भगवत प्रेम ही साक्षात दर्शन में परमानंद प्राप्ति का मुख्य कारण है। भक्ति ही प्रभु के साक्षात दर्शन करने से कृतार्थ होते हैं। असुर या अभक्त लोग परमानंद घन स्वरूप का साक्षात दर्शन करने पर भी परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, बल्कि उनमें भय, क्रोध, द्वेष उत्पन्न हो उठते हैं और जगत को पीड़ा देने वाले दुष्ट हिंसापूर्ण स्वभाव तक को नहीं छोड़ पाते। अतः उनका साक्षात दर्शन हो अथवा ध्यान अवस्था में स्फूर्ति हो, केवल भक्तिपूर्ण हृदय ही उनके परमानंद का अनुभव कर सकता है, दूसरा नहीं। नवदा भक्ति में स्मरण भक्ति ही मुख्य है, ऐसा आगे पिपलायन कह रहे हैं, क्योंकि स्मरण भक्ति में सर्व इंद्रियों में श्रेष्ठ मनोवृत्ति भगवान को समर्पित हो जाती है। एकाग्र मन ही साधक की रुचि के अनुसार ज्ञान वैराग्य की से भी अतः उस अंतरंग प्रेम भक्ति को निरंतर दे सकता है। जो प्रेम भक्ति समस्त साधनों का साध्य है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों से भी श्रेष्ठ है और भगवान को वशीभूत करने के लिए अद्वितीय श्रेष्ठ उपाय है, वह प्रेम एकमात्र भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। वह भक्तों की महानिधि है एवं विचित्र प्रकार की आनंद माधुरी से परिपूर्ण है। उसकी महिमा वाणी के अगोचर है। वह प्रेम पदार्थ, प्रेम नामक पदार्थ चित्रवृत्ति के परिणाम विशेष से ही उदित होते हैं। श्री प्रपलायन ने आगे कहा, यदि आप मन को एकाग्र करना दुष्कर समझते हैं अथवा अपने नेत्रों को सफल करने के लिए श्री भगवान की साक्षात दर्शन करना ही चाहते हैं, तो आप भारतवर्ष में जाइए। वहाँ हमारे इस लोक के ईश्वर श्री नरनारायण स्वरूप से गंधमाधन पर्वत पर अर्थात श्री बद्रिका आश्रम में विराजमान हैं, उनके दर्शन कीजिए। हम लोग समाधि में स्थिर होकर बाहर भीतर सब जगह है उनके ही दर्शन करते रहते हैं, इससे हमको उनका विरह दुख नहीं होता। इस प्रकार हमारी योग्यता जानकर वे प्रभु श्री बद्रिका आश्रम में चले गए हैं। वहाँ वे लोक शिक्षा के लिए धनुर्विद्या के गुरु रूप से अर्थात हाथों में धनुष बाण धारण कर तथा ब्रह्मचारी वेश से जटा धारण कर महान तपस्या कर रहे हैं। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्रह्मन, इस प्रकार जब चारों संकादियों ने मुझको वहाँ जाने का इच्छुक देखा तो वे बोले कि आप उनके दर्शन के लिए ही जाइए, आप उनके दर्शन यहाँ ही दर्शन कीजिए। फिर उन्होंने श्री भगवान के अनेक स्वरूपों को मुझे दर्शन कराए। उनमें से एक ने तो श्रीमान नारायण स्वरूप धारण किया, दूसरे ने श्री विष्णु स्वरूप में हो गए, तीसरे यज्ञेश्वर स्वरूप और चौथे ने श्री भगवान के विविध प्रकार के स्वरूप धारण कर लिए। इस प्रकार से चारों ने अलग अलग स्वरूपों को धारण कर लिया। सनक सनंदन सनातन स्वरूप सनत कुमार ने, मैं उनके दर्शन कर भय से कांपने लगा, हाथ जोड़कर नमस्कार पूर्वक यह कहने लगा, हे दीन वत्सल भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, आप क्षमा कीजिए। तब सनकादि ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, जिससे मैं समाधिस्थ हो गया। जिन स्वरूपों का मुझको पहले दर्शन हुआ था उन सबको मैं भी समाधि में अभी देखने लगा। समाधि भंग होने पर जब मेरी बाह्य दृष्टि हुई उस समय भी ध्यान के प्रभाव से वे सब स्वरूप मुझको समीप में ही प्रत्यक्ष की तरह दिखाई पड़ते थे। मेरे मंत्र के जप करने भी मैं भी स्वभाव निष्ठा बढ़ गई, जिससे मुझको अपार सुख हुआ। परंतु जब मैं जप करता श्री वृंदावन भूमि की माधुरी मेरे मन को व्याकुल कर देती और कभी कभी मेरी दशा सुषुप्ति अवस्था की तरह हो जाती, जिससे मेरे जप में तथा श्री भगवान के दर्शनों में विघ्न होता था। तब मैं रुदन करता हुआ श्री नीलाचल जाने की इच्छा करता था। तब वहाँ पर रहने वाले महर्षिगण मुझको सांत्वना देते और मेरी अशांति का कारण पूछते। तब मैं दुखित होकर अपनी इस अवस्था को उनसे कहता। उसे सुनकर वे मेरी प्रशंसा करते। वे कहते, कैसा आश्चर्य है कि आपको कितने थोड़े समय में ही विशुद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है, कि समाधिस्थ काल तक के मंत्र जाप तथा भगवत दर्शन का विच्छेद सहन नहीं होता, आप बड़े भाग्यवान हैं। परंतु मुझको इसका बोध नहीं होता था, मैं तो उसको दुर्भाग्य ही मानता था। हे विप्र, उस ध्यान अवस्था के बल से मैं भीतर बाहर सभी जगह प्रत्यक्ष की तरह श्री जगदीश्वर भगवान के रूप को देखने लगा। कभी कभी मैं देखता था कि श्री सनक सनंदादि श्री भगवान का ध्यान करते करते भगवत रूप हो जाते हैं।
उनकी ध्यान निष्ठा तथा तन्मयता को देखकर तब मुझे परमानंद प्राप्त होता था। तब मैं उनको भगवत रूप धारण किए हुए नहीं देखता था, तो भी पुनः दर्शन की आशा से मुझे दुख दूर नहीं होता था। इसी प्रकार बहुत दिनों तक मैं वहाँ सुखपूर्वक रहा आया। श्री गोप कुमार का कहने का आशय है कि कभी कभी श्री सनक आदि भगवान का ध्यान करते करते भगवत रूप हो जाते थे। ध्यान करते करते जब भगवत रूप में चित्त का अभिनिवेश और निष्ठा उत्पन्न होती थी, उसके फलस्वरूप तद एक रूपता प्राप्त हो जाती है, अर्थात ध्येय स्वरूप की आकारता भी प्राप्त हो जाती है। जैसे भृंगी के ध्यान में भय से अन्य कीट भी उसी रूप हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंध 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, यत्र यत्र मनो देहि धारयेत सकलं धिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापियाति तत्स्वरूपताम्। यह जीव स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से एकाग्रता युक्त होकर अपना मन जहां जहां लगाता है उसी वस्तु के रूप को प्राप्त कर लेता है। अतः श्री सनकादिक भी तीव्र ध्यान एवं मनोभिनिवेश के कारण श्री भगवान का चिंतन करते करते भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हे विप्र, एक बार वृद्ध प्रतामह परम ऐश्वर्य संपन्न श्री ब्रह्मा जी हंस पर चढ़कर कृपापूर्वक अपने भक्तों को देखने के लिए श्री पुष्कर द्वीप में जा रहे थे। रास्ते में वह तपलोक पधारे। उनको देखकर श्री सनकादिक ने नम्र होकर उनको प्रणाम किया तथा उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। श्री ब्रह्मा जी ने सनकादि को आशीर्वाद दिया और उनके मस्तक पर स्नेह से अग्रहण किया। फिर उनको कुछ उपदेश देकर वो जल्दी ही पुष्कर द्वीप चले गए। मैंने श्री सनकादि से उनके बारे में पूछा तो वह हंसकर कहने लगे, हे गोप बालक, तुम इस तबलोक में आकर भी इनको नहीं जानते हो। ये प्रजापतियों के भी पति महाप्रजापति हैं, श्री ब्रह्मा जी हैं, हमारे जनक हैं, इस संसार की सृष्टि करने वाले हैं एवं हमारे पिता हैं। वे स्वयं आप ही प्रकट हुए हैं और सबसे श्रेष्ठ पद पर सुशोभित हैं। इस जगत का पालन और अनुशासन करने वाले हैं। यह सत्य नामक उस लोक में रहते हैं जिसका नाम सत्य लोक है, जो सबसे ऊपर इस त्रिलोकी में विराजमान है। जो कोई 100 जन्म तक अपने धर्म का त्रुटि रहित रहकर पालन करता है उसको वह लोक प्राप्त होता है। वहाँ श्री वैकुंठ लोक भी है जिसमें श्री जगदीश्वर भगवान महापुरुष सहस्त्र शीर्षा रूप से सदा विराजमान हैं। हम ऐसा सुनते हैं कि श्री ब्रह्मा जी उन महापुरुष के पुत्र हैं, उनके नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है। इन दोनों में भेद नहीं है। हमारा तो यह मत है कि ब्रह्मा जी ने ही लीलावश इन दोनों रूपों को धारण कर रखा है। यहाँ श्री सनकादि ने कहा है कि श्री ब्रह्मा और महापुरुष जगदीश्वर दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी ही लीलावश दो रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे महापुरुष जगदीश्वर जगत में सृष्टि पालन और संहार करते हैं, वही लक्षण श्री ब्रह्मा जी में विद्यमान है। इनमें परस्पर सेव्य सेवक संबंध नहीं है, अतः इनका यहाँ अभेद वर्णन किया गया है। हिरण्यगर्भ तथा बैराज श्री ब्रह्मा जी इन दो रूपों में विराजमान रहते हैं। जिस सूक्ष्म रूप से सत्यलोक में ऐश्वर्य आदि का उपभोग होता है उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, और यही सूक्ष्म रूप ही महत्तत्व है। यह देवताओं के भी दृष्टिगोचर नहीं होता, और जो रूप श्री ब्रह्मांड के सृष्टिकार में लगा रहता है उसका नाम बैराज है। यह स्थूल समष्टि शरीर होने से देवताओं को दृष्टिगोचर होता है। जो हिरण्यगर्भ स्वरूप है वह दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसी बैराज रूप से श्री ब्रह्मा वेदों की प्रवर्तन करने के लिए चतुर्भुज होकर आविर्भूत होते हैं। इनके चारों मुखों से चारों वेद आविर्भूत होते हैं। सामने के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पीछे के मुख से सामवेद और वाम मुख से अथर्ववेद एवं वेद विहित मंत्रादि उपवेदों के साथ आविर्भूत हुए हैं। इतिहास एवं पुराण भी श्री ब्रह्मा जी के चारों मुख से आविर्भूत होने के कारण पंचवेद कहे गए हैं। उनके हृदय में प्रणव आविर्भूत हुआ है, उनके हृदय से ही ओंकार आविर्भूत हुआ है कहने का यह अभिप्राय है। यद्यपि कल्प भेद से श्री ब्रह्मा विभिन्न रूप से आविर्भूत होते हैं और सृष्टि कार्य करते हैं, तथापि शब्द
ब्रह्म रूप अर्थात वेद प्रणव आदि का स्वरूप सर्वदा एक रूप से विद्यमान रहता है। किसी किसी कल्प में कोई कोई महत्तम जीव भी ब्रह्मा होते हैं और किसी कल्प विशेष में गर्भोदक साई द्वितीय पुरुष श्री विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण होते हैं और सृष्टि कार्य करते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा का जीवत्व तथा ईश्वरत्व दोनों ही सिद्ध होता है। अब गोप कुमार आगे कह रहे हैं ब्राह्मण को, जब मैंने यह सुना तो मेरी यह अभिलाषा हुई कि सत्यलोक में जाकर महापुरुष भगवान के दर्शन करने चाहिए। इसलिए उस तपलोक में ही समाधि में स्थित होकर मैं अपने मंत्र का जप करने लगा। एक मुहूर्त मात्र में ही जो ही मैंने आंखें खोली तो ही मैंने अपने आप को ब्रह्मलोक में पाया और वहां सामने श्री जगदीश्वर भगवान के दर्शन करने लगा। मैंने देखा उन श्री जगदीश्वर का श्री दिव्य मंगलमय विग्रह बड़ा प्रकांड है। उनकी हजारों भुजाएं मस्तक तथा चरण हैं। उनकी कांति नीले मेघ के सदृश है। वे विविध प्रकार के अलंकारों से विभूषित हैं, तेज के निधि स्वरूप हैं एवं उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ है। वे शेष नाग पर शयन करते हुए सबके नेत्रों तथा मन को आनंदित कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी उनके चरण पलट रही हैं। प्रभु उन श्री गरुण को प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं जो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हैं। उनका पूजन श्री ब्रह्मा जी अनेक विभूतियों से कर रहे हैं और वे ब्रह्मा जी का बहुत प्रकार से लालन पालन कर रहे हैं। श्री नारद जी प्रेम भक्ति से नृत्यगान कर रहे हैं एवं प्रभु दत्त चित्त होकर उसे श्रवण कर रहे हैं। श्री भगवान श्री ब्रह्मा जी को वेदों का सार स्वरूप महागोपनीय भक्ति मार्ग का विस्तार पूर्वक सने सने उपदेश कर रहे हैं। इस प्रकार वे अपने गोरलोक में विराजमान हैं। मैंने देखा उस उपदेश को सुनकर श्री ब्रह्मा जी आनंद से विफल हो गए। उन्होंने धीमे स्वर से भगवान के उपदेशों का अनुमोदन किया और वे बार बार उनके चरणावृंदों में प्रणाम करने लगे। यह सब देखकर मैं आनंद के बेग से मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब लक्ष्मी जी के निकट आकर बहुत प्रकार से लालन पालन कर मुझको चेतन किया। लक्ष्मी जी आईं और मुझे चेतना दी। वह मुझको अपने बालक की तरह लाड़चाव करती हुई अपने पति श्री भगवान के पास ले गई। मैं बार बार भगवान के दर्शन और प्रणाम करके मन को इस प्रकार कहने लगा, अरे मन, आज तेरी अभिलाषा पूर्ण हुई है। अब तो स्थिर होकर आनंद उपभोग कर। यह लोक सब प्रकार के दुख शोक और त्रास से रहित है और श्रेष्ठ निधि स्वरूप है तथा महा आनंदमय है। इसलिए इस लोक का समस्त जगत पूजन करता है। हे भ्राता मन, जैसा जगदीश्वर होना चाहिए वैसा ही इनके स्वरूप है, क्योंकि इनमें सब महिमाओं की पराकाष्ठा साक्षात स्वरूप से विराजमान है। मैंने कहा, अरे मन, तू श्री लक्ष्मी जी के स्नेह को अनुभव कर। अब अपनी आंखों से प्रभु के दर्शन कर। अब मथुरा तथा ब्रजभूमि के विच्छेद के शोक को तथा वहां जाने की इच्छा को छोड़कर यहाँ ही निवास कर और अब किसी अन्य स्थान पर मत जा। यदि रे मन तेरी यह इच्छा है कि जगदीश्वर भगवान मेरी भी मेरा भी श्री ब्रह्मा की तरह पालन पालन करें, तो यह मेरी अभिलाषा है कि महापुरुष श्री गुरुदेव के दिए हुए मंत्र से ये जप से पूरी हो जाएगी। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्रह्मन, इसके बाद श्री भगवान लीला से शयन कर गए। अर्थात चिदगन भगवान के पक्ष में निद्रा तो कभी संभव है नहीं, फिर भी निद्रा की लीला केवल ग्रहण की। तब श्री ब्रह्मा जी उनके उस नाभि कमल जिसमें 14 भवन रहते हैं उनका निरीक्षण कर भगवान की सृष्टि करने की रीति को ग्रहण कर अपने कार्य को संपादन करने के लिए बाहर चले गए। इस प्रकार श्री भगवान के अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर एवं समस्त जगत सूक्ष्म एवं कारण जगत को उनकी नाभि कमल में ही मैंने देखा। प्रभु के गुण उपदेशों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रेम से विफल हो रहे थे। ऐसा मैंने पहले कभी किसी लोक में नहीं देखा था। मैं वहां सुखपूर्वक रहने लगा। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होने से इस त्रिलोकी का प्रलय होता है तब श्री भगवान ब्रह्मा जी के साथ लेकर शेष नाग पर सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस समय जन लोक आदि के रहने वाले व्यक्ति चित्र विचित्र वाक्यों से श्री भगवान की स्तुति करते हैं। यह सब महान कौतुक मैंने ब्रह्मलोक के प्रभाव से वहां देखा। जब कभी श्री भगवान अंतर्धान होकर कहीं चले जाते तब मुझको शोक हो जाता था।
परंतु फिर उनके लौट आने पर वह शोक समूल नष्ट हो जाता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। फिर एक दिन प्रातःकाल श्री ब्रह्मा जी ने कौतुकवश झाग को स्पर्श किया तो मैं उनमें से एक बड़ा प्रकांड असुर उत्पन्न हुआ। उस दैत्य के डर से श्री ब्रह्मा जी कहीं छिप गए। श्री भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया। श्री ब्रह्मा जी भयाक्रांत होकर अपने स्थान पर नहीं आए। तब प्रभु ने मुझको ही उस ब्रह्मा पद पर नियुक्त कर दिया। तब मैंने भगवत भक्ति की वृद्धि करने के लिए वैष्णव की ही सृष्टि की और सब अधिकारी अर्थात प्रजापति इंद्रादि पद पर वैष्णव को ही नियुक्त कर दिया। जहाँ तहाँ बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञों द्वारा मैंने श्री भगवान का पूजन कराया, जिससे यह समस्त ब्रह्मांड आनंद से परिपूर्ण हो गया। परमेष्टि पद अर्थात ब्रह्मा पद भी के रहने पर के कारण समस्त वेद यज्ञ पुराण इतिहास तंत्र एवं तीर्थ मूर्ति धारण कर मेरी सेवा में उपस्थित रहते थे। बड़े बड़े महर्षि बहुत प्रकार से मेरी स्तुति करते थे। यद्यपि इस प्रकार की बड़ी बड़ी संपत्ति आदि के मद से मैं ग्रस्त था, तो भी मैंने अपने निज अकिंचिता को नहीं छोड़ा, किंतु ब्रह्मा पद के कार्य रूप समुद्र की तरंगों में फंसकर मैं पहले की तरह भगवत भक्ति सुख को अनुभव नहीं कर सकता था, जिससे मेरे चित्त को बड़ी चिंता होने लगी। और फिर जब मैं यह सुनता कि मेरी आयु द्वापरार्ध काल में समाप्त हो जाएगी, तब मुझे काल से भी भय होने लगा था। उस भय की निवृत्ति के लिए जब मैं मंत्र का जाप करता तो मुझको इस ब्रजभूमि की स्मृति दुखी देती थी, परंतु जब श्री जगदीश्वर भगवान पुत्र भाव से मेरा लालन पालन करते थे, तब उस सुख का अनुभव करके मेरे चित्त की विकलता नष्ट हो जाती थी। अत्यंत निकट होने से पितृभाव द्वारा सेवित करने के से मुझे कभी कभी अपराध भी हो जाते थे, जिससे वे प्रभु जिसको सब क्षमा भी कर देते थे, क्योंकि पुत्र तो अपने पिता के प्रति कभी कभी अपराध कर ही बैठता है। तो भी मेरे मन में बड़ा उद्वेग होता था, जिसको जानकर श्री लक्ष्मी जी बात्सल्य भाव से सांत्वना देकर आनंद प्रदान करती थी। इस प्रकार वहाँ चिरकाल तक मैंने निवास किया। श्री गोप कुमार का कहने का आशय है कि श्री गोप कुमार ब्रह्मा पदवी पर रहते हुए काल भय से भयभीत होने लगे। ब्रह्मा की आयु द्विपरार्ध आयु होती है। काल की गणना शास्त्र में इस प्रकार वर्णन की है, दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु होता है, तीन अणुओं के एक त्रिशूर्णु और तीन त्रिशूर्णु परिमित काल को त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटि का एक वेद और 3 वेद का एक लब होता है, 3 लब का एक निमेश और 1 निमेश का एक क्षण, 3 निमेश का एक क्षण, 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघुओं का एक दंड या एक घड़ी होता है और 7.5 दंड का एक प्रहर होता है। एक घड़ी अर्थात करीब 24 मिनट और एक मुहूर्त यानी 48 मिनट। इस प्रकार से 7 दंड या 7 घड़ी का एक प्रहर और 8 प्रहर का एक दिन होता है। 30 दिन रात का हमारा एक मास होता है। हमारे एक मास का पितृलोक का एक दिन होता है। हमारे 12 मास का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार हमारे 1,17,28,000 वर्षों का होता है सतयुग, चतुर्युग, सतयुग और द्वापर। त्रेतायुग होता है 12,96,000 वर्ष का और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग तथा 4,32,000 का कलयुग होता है। इस प्रकार इस चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। 71 चतुर्युग अर्थात 30,67,20,000 वर्ष होते हैं का एक मनमंत्र होता है और ऐसे 14 मनमंत्रों का अर्थात कई कई वर्ष होते हैं और ऐसा एक दिन होता है श्री ब्रह्मा जी का, ऐसे 360 का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्ष की आयु होती है श्री ब्रह्मा जी की, 50 वर्ष का एक परार्ध होता है और इस प्रकार के दो परार्ध श्री ब्रह्मा जी की आयु का काल है, परंतु इस पर भी श्री ब्रह्मा काल से भयभूत रहते हैं। अनुमान कीजिए कि काल भय कितना महान है और भय सत्यलोक में भी बना रहता है और वह काल का भय सत्यलोक के वासियों को भी है। एक बार इस भारतवर्ष के किसी एक जीव की मुक्ति हुई, सत्यलोकवासी उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। वह अद्भुत बात सुनकर मैंने उनसे उनके विषय में प्रश्न किया।
उन विसर्वज्ञों ने मुख से मुक्ति का उत्कर्ष तथा दुर्लभता को सुनकर मैंने उस लोक की प्राप्ति करने के लिए उपाय किया। जब उनसे उपाय पूछा तो उन्होंने बताया, बहुत उपनिषदों में जो वहाँ देवी स्वरूप से विराजमान थी, वेद और स्मृति शास्त्र के साथ मिलकर यह कहा है कि मोक्ष एकमात्र ज्ञान से प्राप्त होता है, इसको प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। किसी किसी पुराण और तंत्र में अपने गंभीर भाव से कहा है कि वह दुर्घट ज्ञान भी भगवत भक्ति द्वारा ही सुगमता से प्राप्त हो जाता है। क्या हो सकता है अथवा केवल भक्ति के ही सम्यक अनुष्ठान से मोक्ष सुलभ हो सकता है? ज्ञान की भी अवस्था नहीं है, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जो भक्ति है वो कुछ भी वस्तु प्रदान कर सकती है। इस बात की पुष्टि के लिए किसी श्रुति और स्मृति ने भी अपनी सम्मति को प्रकट किया है। उपर्युक्त श्रुति स्मृति के भाषण में भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्ति का स्पष्ट वर्णन न सुनकर किसी किसी बड़े उपनिषदों ने अपने तंत्र आदि शास्त्रों के साथ मिलकर क्रोधित होकर यह स्पष्ट रूप से अनुमोदन किया है कि भक्ति से अवश्य ही मुक्ति सिद्ध हो सकती है। यह सुनकर कोई कोई गुड़ उपनिषद तंत्रों और महापुराणों के साथ चुपचाप होकर मुस्कुराने लगे। एकमात्र श्री भगवत मंत्र जप करने से ही मुक्ति सहज में प्राप्त हो सकती है या नहीं, इस विषय में किसी किसी वेद पुराणों के साथ मंत्र शास्त्रों का घोर विवाद हुआ, जिसको सहन नहीं करके महापुराण तथा सब तंत्र उपनिषदों के साथ लेकर अपने कानों को बंद करके सभा से बाहर चले गए। फिर महापुराणों और महान उपनिषदों को मध्यस्थ मानकर जब विचार किया गया तो तंत्र शास्त्रों की जय हुई, अर्थात यह निर्णय हुआ कि भगवत मंत्र जाप से सहज में मोक्ष हो जाता है। यह बात मुझे भी प्रिय थी। श्रीमद् भागवत आदि महापुराण तथा तंत्र शास्त्र जो पहले अप्रसन्न होकर बाहर चले गए थे, मैंने उनके अभिप्राय को समझकर विनय वाक्यों से उनकी स्तुति की एवं उनको समझाकर फिर भीतर सभा में ले आया। ये सभी शास्त्र वहां मूर्तिमान होकर विराजमान थे। जब मैंने बहुत आदर पूर्वक उन श्रीमद् भागवत पुराण आदि से मोक्ष तत्व को पूछा, तब वे महापुराण तथा वैष्णव सिद्धांत तंत्र श्रेष्ठ श्रुतियों के साथ लेकर इस प्रकार कहने लगे। श्री भक्ति शास्त्रों ने कहा, ब्रह्मा जी के अधिकार को प्राप्त करने वाले हे युग कुमार, यद्यपि यह विषय जिसका आपने प्रश्न किया है एक निधि से भी अधिक गोपनीय है, तो भी आपके सद्गुणों ने हमको बाचाल कर दिया है, इसलिए हम इसे वर्णन करते हैं। हम भगवत भक्ति तत्पर हैं। किसी किसी स्थान पर मोक्ष के एवं मोक्ष के साधनों के लक्षण भी हमने निरूपण किए हैं, जिनका तात्पर्य उस मोक्ष के दोषों को दिखलाकर उसके साधनों सहित उसके त्याग कराने में ही है। भक्ति की महिमा को कथन करने के लिए हम लोगों ने किसी किसी स्थान पर मोक्ष की प्रशंसा भी की है, किंतु वह साध्य फल स्वरूप से नहीं है, क्योंकि उस मोक्ष में सुख की गंध भी नहीं है। जैसे रोग से छुटकारा पाकर अथवा सुसुप्ति अवस्था से उठकर मनुष्य अपने आप को सुखी मानता है, उसी प्रकार मोक्ष में भी सुख की कल्पना की गई है, परंतु यह मोक्ष संज्ञा अज्ञान से ही है। इसीलिए तत्व को नहीं जानने वाले लोग ही मोक्ष को रुचिकारक कहते हैं। भक्ति शास्त्रों ने मोक्ष में सुख की कल्पना को दो उदाहरणों से यहां स्पष्ट किया है। जैसे रोग को मिटाने पर मनुष्य अपने में सुख की कल्पना करता है, अर्थात रोग दुख के अभाव को सुख मान लेता है, उसी प्रकार अज्ञान बंधन की निवृत्ति में मोक्ष सुख की कल्पना कर ली गई है। दूसरे तमोमय सुसुप्ति अवस्था में जहाँ सुखानुभव का प्रभाव अभाव होता है, परंतु मनुष्य कहता है कि मुझे ऐसी नींद या सुसुप्ति आई कि मुझे कुछ भी पता नहीं रहा, सुख की उस अभाव अवस्था में भी जैसे एक सुख की कल्पना कर ली जाती है, मोक्ष सुख भी उसी प्रकार का सुख है। यदि यह कहा जाए कि सुसुप्ति के बाद जागने पर भी तो सुख की स्मृति बनी रहती है, अतः उसे कल्पित सुख कैसे माना जा सकता है? उसका उत्तर यह है कि सुसुप्ति के समय में भी कुछ भी सुख का अनुभव या बोध नहीं रहता, अतः उसकी स्मृति का भी कोई प्रश्न नहीं उठता, अतः वह स्मृति
सुसुप्तिकालीन सुखानुभव की नहीं होती, किंतु सुसुप्तिकाल में स्वप्नादि जनित चित्त की विकलता का कोई दुख भोग नहीं होता। इसलिए उस दुख के अभाव में ही सुख स्मृति की कल्पना की जाती है। इसी प्रकार मोक्ष में भी जन्म मरण आदि संसार दुख के अभाव या सर्वशून्यता में ही सुख की कल्पना कर ली गई है। वास्तव में मोक्ष में कोई भी सुख नहीं है, सुख की गंध भी नहीं है। यह भी प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष प्राप्त जीव की ब्रह्मलोकवासी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। इसके उत्तर में भक्ति शास्त्रों ने कहा, मोक्ष तत्वों को ना जानने वाले ही लोग मोक्ष की प्रशंसा करते हैं और उसमें रुचि करते हैं। जहाँ सर्व शून्य है, अज्ञानवस्था ही उसकी संज्ञा है, उस मोक्ष में वास्तव में कोई सत्यता नहीं है। इसलिए अज्ञान रूप मोक्ष में जब सत्यता है ही नहीं, तब बंधन मोक्ष की भी सत्यता का अभाव स्वतः सिद्ध है। यह प्रमाण श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 14वां अध्याय 26वें श्लोक में कहा गया है कि संसार बंधन तथा संसार मोचन ये दोनों ही अज्ञान संगक हैं, अर्थात ये दोनों ही नाम अज्ञान मूलक हैं। सूर्य में जैसे दिन रात दोनों ही हैं, उसी प्रकार विशुद्ध विज्ञान में बंधन और मोक्ष दोनों का कोई स्थान नहीं है। आगे कहते हैं, मोक्ष के साधनों को बताते हुए उन्होंने कहा, किसी भी प्रकार से श्रीवन भगवान नाम के आभास के उच्चारण करने से अथवा कान में पड़ने से मोक्ष सिद्ध हो जाता है। भगवान नाम महिमा तो दूर रही, वास्तव में विचार निपुणता के अभाव में मोक्ष को रमणीय कहा जाता है। इस विषय में विचार करने पर मोक्ष किसी प्रकार की श्रेष्ठ नहीं है, किसी प्रकार से भी मोक्ष श्रेष्ठ नहीं है। वेद इतिहास व पुराण आदि शास्त्रों का जो मत है उसे हम आपको सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी का तो यह मत है कि सब प्रकार के दुखों का ध्वंस हो जाना ही मोक्ष है। कोई कोई अविद्या तथा कर्म का क्षय हो जाने को ही मोक्ष मानते हैं, और किसी के मत में जो माया से अन्यथा भ्रांति हो रही है उस भ्रम को छोड़कर अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लेना है, अनुभव होना ही मोक्ष है। परंतु इनमें भी किसी पूर्ण की सुख की प्राप्ति नहीं होती। जीव स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा सच्चिदानंद वस्तु का जो अनुभव किया करता है उससे जिस सुख की अनुभूति होती है वह उस सच्चिदानंद वस्तु के साक्षात अनुभव में प्राप्त होने वाले सुख के सामने अति अल्प होता है। इस श्लोक में भाव यह है, श्री भक्ति शास्त्रों ने मोक्ष के साधन के संबंध में कहा, मोक्ष तो श्री भगवान नाम के आभास से ही अनायास प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध भगवान नाम की महिमा तो अनर्वचनीय है। परिहास या अवहेलना पूर्वक अथवा अजामिल पापी ने जैसे पुत्र को लक्ष्य कर नारायण नाम का उच्चारण किया था, उस प्रकार वास्तव में श्री भगवान को लक्ष्य न करते हुए भी जैसे जैसे भगवान नाम जिह्वा से निकल जाए अथवा कानों में प्रवेश कर जाए तो उस नामाभास से ही सहज में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर योगी जन तथा ज्ञानी जन उस मोक्ष के लिए बड़े बड़े प्रयास क्यों करते फिरते हैं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि उनमें विचार निपुणता नहीं है, वे अल्प बुद्धि हैं। मोक्ष तत्व के संबंध में वे अनभिज्ञ हैं। मोक्ष में पुरुषार्थता का निश्चय केवल मोक्ष महिमावादी ही करते हैं। समस्त वेद इतिहास एवं पुराण आदि धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों के ना जानने पर ही मोक्षवादियों के विचार चातुरों की रमणीयता दिखती है, परंतु वह अति तुच्छ है। न्यायिकों के मत में 21 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक नाश हो जाना ही मुक्ति कहलाता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही वे मुक्ति मानते हैं। वेदांतिक जो एक देशवादी हैं, अर्थात वेद के एक अंश को मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते, उनके मत में अविद्या व कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। जो वैशेषिक मीमांसिक और सांख्यवादी हैं वे मोक्ष का लक्षण निर्धारण करते हैं, अति तुच्छ और सिद्ध ही नहीं होता है। उनके द्वारा जो भी सिद्धांत निर्धारण किया गया है वह तो अति तुच्छ है और उसमें कुछ भी सार नहीं निकलता। वैशेषिक गण कहते हैं, कणाद आदि ने
छह पदार्थ स्वीकार करने किए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। उनका मत है कि इन छह वस्तुओं के ज्ञान से जीव का अदृष्ट अर्थात कर्मफल नष्ट हो जाता है और उससे संसार बंधन निवृत्त हो जाता है। इनके ज्ञान द्वारा अत्यंत की दुख निवृत्ति को वे मोक्ष मानते हैं। ब्रह्म सर्व कारण कारण है, वे इस मत को स्वीकार नहीं करते। वे ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करते हैं तो केवल एक कल्पित वस्तु के रूप में। उनके मत की आलोचना करने से पता चलता है कि मत का कहीं भी सामंजस्य नहीं है। संसार बंधन के मूल कारण का ही इस मत में निर्णय नहीं हो पाया है, इसलिए मोक्ष के संबंध में जो कहते हैं वह निराधार है। और सूत्रकर्ता श्री व्यासदेव तथा सूत्र के भाष्यकार समस्त आचार्य पादों ने इस मत का अनादर किया है। अब मीमांसकों की बात करते हैं। ये पूर्व मीमांसक हैं। पूर्व मत के प्रवर्तक वैदिक कर्मों को ही जीव का सबसे बड़ा साधन या कर्तव्य मानते हैं और स्वर्ग प्राप्ति ही उनका परम पुरुषार्थ है। ये भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का कुछ प्रयोजन नहीं मानते। मुक्ति का तो कोई स्थान इनके मत में है ही नहीं। अब सांख्य दर्शन की चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन दो प्रकार का है। दोनों के प्रवर्तक श्री कपिल देव हैं, परंतु दोनों कपिल देव भिन्न भिन्न हैं। एक तो श्री कर्दम पत्नी देवहूति के पुत्र हैं जो भगवत अवतार हैं। उनके द्वारा जो सांख्य दर्शन का प्रचार हुआ है वह सर्वदा मान्य एवं आदरणीय है। परंतु दूसरे कपिल हैं महाभारत वनपर्ण वर्णित अग्निवंशज, उन्होंने निरीश्वरवाद सांख्य दर्शन का प्रचार किया है। यहाँ उसी सांख्यवाद का उल्लेख किया गया है। उन्होंने प्रकृति एवं पुरुष इन दो मूल तत्वों को माना है। उनके मत में जगत की सृष्टि करने वाली ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, प्रकृति को ही सृष्टि का मूल माना जाता है। दुख निवृत्ति मात्र ही उनका परम पुरुषार्थ है। इस मत के आलोचना से पता चलता है कि ना तो जीव को संसार बंधन है और ना मोक्ष। इस प्रकार वैशेषिक, मीमांसिक और सांख्यवादियों द्वारा निर्धारित जो मोक्ष है वह सिद्ध ही नहीं होता। वैदांतिक, जिनका वर्तवाद ही मुख्य अभिमत है, विवर्तवाद ही जिनका मुख्य अभिमत है, संसार को मायाकृत भ्रांति के मारे मानते हैं तथा माया का भेद है ऐसा मानते हैं। उसको परित्याग कर स्वानुभव स्वरूप या ब्रह्मानुभव स्वरूप को ही विमोक्ष मानते हैं। आत्मा जब अन्यथा रूप को परित्याग कर निज स्वरूप में अवस्थित होता है उसका नाम मोक्ष है ऐसा उनका मत है। उपर्युक्त पहले दो अर्थात न्यायिक और एक देशवादी वैदांतिक के मत में मोक्ष को मोक्ष में दुख एवं दुख के कारण का आत्यंतिक अभाव माना गया है, अतः उनके मोक्ष में सुख नहीं है, यह बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तीसरे विवर्तवादी गण के मोक्ष में जो आत्म स्वरूप का अनुभव जनित सुख का उल्लेख है वह सुख अति अल्प है। आत्मस्वरूप के अनुभव से अभिप्राय है जीव स्वरूप का अनुभव। जीव स्वरूप के अनुभव से प्राप्त होने वाला सुख अति अल्प है। कारण है कारण कि जीव स्वयं उस सच्चिदानंद घन का एक अंश मात्र है, अतः उस अंश स्वरूप की अनुभूति द्वारा प्राप्त सुख की एक आंशिक या अति अल्प सुख ही है। सच्चिदानंद घन श्री भगवान के चरणारविंद के अनुभव में जो अपार सुख सागर तरंगायत होता है उसके सामने जीव स्वरूप का अनुभव सुख और मोक्ष सुख एक बिंदु के समान ही अति अल्प है। यद्यपि उसका नाम सुख है परंतु तत्वतः वह भी सुख ही नहीं है, वहाँ केवल दुख का अभाव मात्र है। तथापि तुस्यतु दुर्जनः, दुर्जन व्यक्ति संतुष्ट रहे इस अभ्युपगम न्याय के आधार पर अर्थात अस्वीकार विषय को भी स्वीकार करते हुए यथार्थ तत्व का निर्धारण करना, इस न्याय के आधार पर सुख शब्द मोक्ष में उपचरित होता है, परंतु वह केवल भगवत भक्ति सुख की महिमा को समझाने के लिए ही कहा गया है। अब आगे जीव स्वरूप तथा निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं और इसके माध्यम से उन दोनों के स्वरूपानुभूत सुख की अल्पता का प्रतिपादन करते हैं। आगे कह रहे हैं, आत्मस्वरूप प्राप्ति को मोक्ष मानने वालों की मत में जो शुद्ध
आत्मतत्व है वही ब्रह्म है, और वह ब्रह्म निर्गुण निसंग निर्विकार और निरीहित है। भगवान पर परम ब्रह्म परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। वे सच्चिदानंद घन विग्रह हैं एवं विविध महिमा के सागर हैं। उनमें सगुणत्व एवं निर्गुणत्व आदि परस्पर विरोधी धर्मों का भी समावेश है। ब्रह्म श्री भगवान की महाविभूतियों से प्रसिद्ध है, यही इनका परस्पर भेद है। इसलिए भगवान के पूर्ण सुख स्वरूप श्री युगल चरणारविंद का भक्ति से अनुभव करने में ही जीव का निश्चय पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के श्री युगल चरणारविंद केवल सुख स्वरूप ही नहीं बल्कि मिश्री के पिंडी की तरह स्वयं सुखाधार भी हैं, परंतु ब्रह्म केवल सुख स्वरूप ही है। जीव स्वरूप जो वस्तु है वह परब्रह्म है, एवं श्री भगवान भी सच्चिदानंद घन परब्रह्म है। इस विषय में तत्वदर्शियों का यह मत है कि जीव भगवान नाम का अंश स्वरूप है, जैसे बड़े बड़े तेजपुंज सूर्य की अंश हैं किरणें हैं सूर्य के अंश हैं किरणें। वह जीव तत्व नित्य सिद्ध होने से भिन्न स्वरूप में प्रतीत होता है, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से, अग्नि की चिंगारियां अग्नि से और समुद्र की लहरें समुद्र से भिन्न प्रतीत होती हैं, लेकिन वह होती उसी का ही स्वरूप है। अनादि सिद्ध चिद विलास स्वरूपा महायोग माया नाम की शक्ति द्वारा ही अनादि काल से जीव तत्व परब्रह्म श्री भगवान से नित्य पृथक कर दिया गया है। इसलिए महत्पुरुषों का यह मत है कि जीव में परब्रह्म के सदृश सच्चिदानंद धर्म होने से उसका परब्रह्म से अभेद है और उनका अंश होने से भेद भी है। इसलिए मुक्त होने पर भी उनका प्रायः भेद ही विद्यमान रहता है। जीव तो सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण की अनादि सिद्ध अविद्या स्वरूप माया से वह अपने स्वरूप को भूल जाता है और संसार रूप ब्रह्म में पड़ता है। मुक्ति में अपने स्वरूप ज्ञान के कारण उस माया के दूर हो जाने से संसार रूपी भ्रम निवृत्त हो जाता है। तब जीव सच्चिदानंद ब्रह्म अर्थात श्री भगवान के अंश रूप अपने स्वरूप का अनुभव करता है। यह सर्वत्र प्रसिद्ध है कि जो जैसा साधन करता है उसके अनुरूप ही उसको फल मिलता है। इसलिए अपने स्वरूप ज्ञान से जो मोक्ष रूप सुख मिलता है वह आंशिक सुखदायक होता है। मुमुक्ष लोग ही बहुत प्रकार से मोक्ष की स्तुति करते हैं। जो संसार यातना से घबराए हुए हैं, जो रसहीन हैं, जैसे स्वर्ग कामना वाले अनित्य स्वर्ग की ही प्रशंसा करते हैं, वैसे मुमुक्षु भी मोक्ष को ही परम साध्य कर प्रशंसा कर रहे हैं। वस्तुतः सुख के पराकाष्ठा स्वरूप श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे हुए भक्तों की भक्ति में ही साधन अनुरूप सुख की पराकाष्ठा अपने आप ही प्राप्त हुआ करती है। यहाँ पराकाष्ठा शब्द परम अतिशय महत्व का बोध कराने के लिए है। अतः वह सेवा सुख अनंत है जिसकी सीमा नहीं है। वह भक्ति सुख अनंत तथा परम महान होते हुए भी निरंतर बढ़ता रहता है, परंतु मुक्ति अवस्था में ब्रह्म सुख नहीं बढ़ता। वह सुख सीमाबद्ध है। समस्त जीव परब्रह्म के विजातीय भाव से युक्त होने से परब्रह्म का विभिन्नांश है, किंतु तत्वतः परब्रह्म का अंश होने से उससे अभिन्न भी है। अतः परब्रह्म में इस प्रकार का भेदाभेद नामक सिद्धांत ही हमारा सुसम्मत मत है। इसको युक्तिपूर्वक कहने से निश्चय ही भक्ति संबंधी सब व्याख्यान निर्देश हो जाते हैं। इस विषय की पुष्टि के लिए बहुत से प्राचीन इतिहास भी विद्यमान हैं, इसलिए इन प्रमाणों में अर्थवाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इतना होने पर भी जो लोग इस प्रकार अर्थवाद की कल्पना करते हैं वे केवल नास्तिकता को ही प्रकट करते हैं, और उनकी वह कल्पनाएं उनको दुस्तर नरक में डालने वाली होती हैं। अहो, वह मुक्ति कैसे प्रशंसनीय हो सकती है जिसको गौ ब्राह्मण आदि की हत्या करने वाले दैत्य भी प्राप्त कर लेते हैं और उन दैत्यों की शास्त्र निंदा करते हैं। भाव यह है,
अद्वैतवादियों का यह मत है कि सदा सर्वदा एक अद्वितीय ब्रह्म ही विद्यमान है और वही ब्रह्म माया उपाधि मिलने से नाना जीवों के रूप में भिन्न भिन्न होकर मिथ्या प्रतीत होता है और तत्वज्ञान से वह मिथ्या प्रतीत नष्ट होने पर फिर केवल एक ब्रह्म की ही स्फूर्ति होती है। इसलिए ब्रह्म एवं मोक्ष इन दोनों में जीव तत्व उपाधि रूप मिथ्या भ्रम के मिट जाने पर यथापूर्व निज स्वरूप सुख घन ब्रह्म तत्व को प्रकाशित करता है और इसको करने वाली मुक्ति में सांद्र सुख की अनुभूति होती है। वे यह भी कहते हैं कि मुक्ति में अहंकार का लेश मात्र भी बाकी ना रहने के कारण अनुभूति वहां कुछ नहीं रहती, तथापि मुक्ति स्वयं ही सुख अनुभव स्वरूप है, इसलिए सांद्र सुख प्रदान करती रहती है। जैसे भक्तों के मन में श्री सच्चिदानंद घन रूप श्री भगवान सर्वदा हृदय में स्फुरित होकर भक्त को परम महागन सुखानुभाव करते रहते हैं, इसलिए उनका यह भी कहना है कि मोक्ष से भक्ति का कुछ भी विशेष महत्व नहीं है। परंतु अद्वैतवादियों का यह सिद्धांत युक्तियुक्त एवं शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 7वें अध्याय 10वें श्लोक कहती है, आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथाऽपि उपक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूतगुणो हरिः। जिनकी अहंकार ग्रंथि अर्थात सर्वबंधन टूट चुके हैं, वे समस्त आत्माराम मुनिगण भी कोई वासना न रहने पर भी श्री भगवान के गुणों में मोहित होकर विपुल विक्रम उन श्री भगवान की अहेतु की भक्ति किया करते हैं। इस प्रकार के अनेक वचन शास्त्रों में मिलते हैं जिनमें मुक्ति से भक्ति का आध्यात्मिक अत्याधिक महात्म वर्णन किया गया है। महापुरुष श्री नारद श्री प्रहलाद एवं श्री हनुमान आदि के अनेक ऐसे अनुभव प्रमाण मिलते हैं। भवबंधन छिदे तस्मै स्प्रया ही न मुक्त हे भगवान प्रभु अहम दासा इति यत्र विप्ल विलुप्त्यै। तो विलुप्यते कह रहे हैं कि हे नाथ, भवबंधन काटने वाली उस मुक्ति की कभी भी मैं वांछा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुक्ति में आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, यह संबंध विलुप्त हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं, भवान प्रभु अहम दासा इति यत्र विलुप्यते, दास और प्रभु का संबंध विलुप्त हो जाता है मोक्ष में, इसलिए भक्त इसको कभी भी स्प्रेहा नहीं करते हैं। श्री भक्ति शास्त्रों ने आगे कहा, इन वचनों में अर्थवाद की कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात ये वचन केवल झूठी बूटी प्रशंसा मात्र है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो लोग इन वचनों पर विश्वास नहीं करते अथवा इन्हें अर्थवाद कहते हैं, वे घोर नरक में गिरते हैं। श्री नारद जी ने स्पष्ट कहा है, हे श्रेष्ठ द्विजगण, समस्त धर्मों को कथन करने वाले पुराणों के वाक्यों में जो अर्थवाद की कल्पना करते हैं वे नरक के पात्र हैं, अर्थात उनका नरक में पतन होता है। यह नारद जी ने नारदीय पुराण में कहा है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति से भक्ति गरीयसी है और उसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा है। सबसे बड़ी बात एक और यह भी है, यह वह है कि कंस अघासुर आदि जो महादुष्ट स्वभाव वाले असुर हैं, जो गौ ब्राह्मण की हत्या करते हैं, जो भगवान द्वारा मारे जाने पर मुक्ति अर्थात सायुज मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जैसा कि ब्रह्मांड पुराण के वचन श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड के 280वें श्लोक में उद्धृत किया गया है, सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति हि सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यश्च हरिणाहता। अर्थात माया राज्य के पार जो सिद्ध लोग हैं उसमें निर्विशेष ब्रह्म के सुख में लीनता रूप सिद्धि को प्राप्त करने वाले सायुज मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग निवास करते हैं और श्री भगवान के हाथों से मरने वाले दैत्य कंस अघासुर आदि भी वहां निवास करते हैं। अर्थात गो ब्राह्मण हिंसक दैत्यों को जो गंतव्य स्थान है वही स्थान है सायुज मुक्ति प्राप्त करने वालों का। उन गौ ब्राह्मणों के हिंसक दैत्यों की मुक्ति चाहने वाले लोग भी निंदा करते हैं, परंतु स्वयं उस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं जो उन निंद दैत्यों को प्राप्त है। अतः निंद पुरुषों को प्राप्त होने वाला स्थान भी निंदनीय है, यह स्पष्ट है। इसलिए कौन सुबुद्धि मनुष्य होगा जो मुक्ति को
और उसके फलस्वरूप दैत्यों को प्राप्त स्थान को प्राप्त करने का चाहेगा, अथवा कौन उसकी प्रशंसा ही करेगा। साधु भाव तथा असुर भाव, इन दोनों का परस्पर सर्व प्रकार विरोध है, इसलिए इन दोनों के साधन एवं साध्य में भी विरोध का होना निश्चित है। श्री कृष्ण भक्ति से ही साधु भाव प्राप्त होता है, और वह भक्ति ही परम साधन स्वरूपा है, जिसका साध्य रूप श्रेष्ठ फल है। श्री भगवान के श्री युगल चरणारविंद, बल्कि बड़े बड़े तत्वदर्शी जो भगवत भक्त भक्ति के रसिक हैं, वे तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणारविंद की मकरंद स्वरूपा भक्ति ही साध्य है। वह श्रेष्ठ भक्ति कर्म ज्ञान तथा वैराग्य आदि की अपेक्षा रखकर सिद्ध नहीं होती। केवल भक्ति ही चाहने वालों को वह भक्ति श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति भक्ति चाहता है उसको भक्ति प्राप्त होती है, जो मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म उस भक्ति का विक्षेप है और वैराग्य उस रस का शोषक है, और ज्ञान से वह नष्ट हो जाती है। हाँ, कर्म ज्ञान आदि शोधित होने पर अर्थात भक्ति के अनुगामी होने पर किसी समय श्रेयकारी हो सकते हैं। आत्मारामी मुनि भी भगवत कृपा से तथा भक्त संग प्राप्त कर ब्रह्मनिष्ठ हो ब्रह्मनिष्ठ को छोड़कर भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। मुक्त पुरुष भी भगवान की शक्ति से सच्चिदानंद देह प्राप्त करते हैं। उस अप्राकृत देह इंद्रियों से श्रवण कीर्तन आदि द्वारा श्री भगवान का भजन करते हैं। भक्ति परायण जनों के लिए भक्ति विरोधी कर्म ज्ञान और वैराग्य आदि सर्वथा त्यागने योग्य हैं, क्योंकि त्यागने योग्य हैं। क्यों त्यागने योग्य हैं कोई पूछे तो इसके उत्तर में कहते हैं कि कर्म भक्ति में विक्षेप पैदा करने वाले हैं। कर्मों के अनुष्ठान में अनेक अनेक सामग्री को जुटाना पड़ता है, जिससे चित्त चंचल हो उठता है, और चित्त की चंचलता से भक्ति में विक्षेप उत्पन्न होता है। वैराग्य भक्ति रस का शोषक है। वैराग्य में सबका त्याग और किसी की भी अपेक्षा नहीं रहती, यहाँ तक कि भक्ति में जो रस होता है वह रस भी सूख जाता है, और भगवत सेवा से मन हट जाता है, जो एक महान दोष है। अतः वैराग्य में जो एक प्रकार की वितृष्णा है वह भक्ति रस की शोषकता ही है। ज्ञान अर्थात जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान भक्ति को नष्ट करने वाला है, क्योंकि वह भक्ति वृत्ति को क्षीण करता है। आत्मतत्व का बोध हो जाने वाले ज्ञानी पुरुष की यह धारणा हो सकती है कि मैं जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो गया हूँ, मेरा निस्तार हो गया है, इसलिए उसकी भक्ति में प्रवृत्ति ही नहीं होती, सेवक संबंध को नष्ट हो जाता है। कहीं कहीं ज्ञान वैराग्य तथा कर्मों के द्वारा मंगल प्राप्ति का निर्देश शास्त्रों में मिलता है, वह उस समय जब ये शोधित हों, अर्थात जब ये भक्ति परक हों, भक्ति के अनुगामी हों, तभी ये फल दे पाते हैं भक्ति का। भक्ति विमुक्ता रूप मल से रहित हो तथा तब ये कदाचित श्रेय साधक होते हैं। कर्म ज्ञान वैराग्य जब भक्ति के प्रथम साधन अंग के रूप में आचरित होते हैं, तब इनकी कुछ सार्थकता होती है। कर्म फल के भोग कामना परित्याग कर केवल भक्ति प्रीति निमित्त जब कर्म करके भगवत अर्पण कर दिए जाते हैं, वे शोधित कर्म है। इसी प्रकार शोधित वैराग्य वह है जिसमें मोक्ष की तृष्णा का तो त्याग है और भगवत सेवा की कामना है। शोधित ज्ञान वह है जिसमें अद्वैत आत्मतत्व ज्ञान आदि को त्याग कर केवल श्री भगवान के दासत्व का मनन और भगवत भक्ति की महिमा का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार तो इस प्रकार शोधित कर्म वैराग्य एवं ज्ञान जो भगवत भक्ति के अनुगामी होते हैं, उनमें ही जीव की श्रेय की संभावना रहती है। इस प्रकार सब साधनों से भक्ति की महिमा अत्यधिक है। यही कारण है कि आत्माराम मुनिगण, यहाँ तक कि समाधि लब्ध मुनि भी ब्रह्म स्थिति तत्व को सर्वतोभाव से त्याग कर भक्ति का अनुशीलन करते हैं, भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। यह बात केवल तभी संभव होती है जब भगवत कृपा से उन्हें भक्त संग प्राप्त होता है। भक्त संग के प्रभाव से परम सूक्ष्म विचार द्वारा उन्हें मुक्ति की तुच्छता का ज्ञान होता है, फिर वे मुक्ति के
समस्त साधन सामग्री सहित छोड़कर भगवान के गुण महिमा में आकर्षित हो उठते हैं और भक्ति मार्ग में प्रवेश कर भगवत भक्त करने लगते हैं, भजन अर्थात भगवत भजन करने लगते हैं। शंका यह उठती है कि सिद्ध मुक्त गणों के तो शरीर इंद्रियादि कुछ नहीं रह जाते, तो फिर भगवत भजन कैसे करते हैं? श्रवण कीर्तन बंदन तथा अर्चन आदि भक्ति के अनुष्ठान किस प्रकार करते हैं? जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ के तो शरीर इंद्रियादि सब रहते हैं, उनके पक्ष में तो भक्ति अनुष्ठान संभव है, परंतु जो प्राप्त मोक्ष सिद्धगण हैं, जो ब्रह्म में लय प्राप्त कर लेते हैं, वे कैसे भजन करते हैं? इस आशंका का निरसन पहले ही कराए हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाने पर मुक्ति प्राप्त जनों की नित्य प्रतिष्ठा सत्ता विद्यमान रहती है। श्री परीक्षित ने श्रीमद् भागवत छठम स्कंद 14वें अध्याय 5वें श्लोक में कहा है, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि सुमहामुनि। कोटि कोटि सिद्ध मुक्तों में भी श्री नारायण परायण प्रशांत चित्त भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है। यहाँ सिद्धानाम शब्द से स्पष्ट है कि ब्रह्म में लय को प्राप्त कर सिद्ध हो चुके हैं, उनमें भी नारायण परायण की संभावना है, उनका पृथक अस्तित्व रहता है, तभी तो उनमें इस प्रकार की संभावना है। अतः भगवत भक्ति के प्रभाव से ब्रह्म लीन मुक्त जन भी सच्चिदानंदमय देह प्राप्त कर उससे भगवत भजन करते हैं। वैसे भी भगवत भजन प्राकृतिक देह इंद्रियों का व्यापार नहीं है, अतः आप प्राकृत देह इंद्रियों द्वारा मुक्त जन भगवत भजन करते हैं। आत्मारामता तो अहंकार त्याग मात्र से ही सिद्ध हो जाती है और तत्वदर्शियों का यह मत है कि उस अहंकार का त्याग अति सहज है। यद्यपि मोक्ष एवं आत्मारामता भक्ति के गौण फल हैं, तो भी भक्तगण कभी भी उनको ग्रहण नहीं करते, कभी भी इन तत्वों को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वे प्रेम के विरोधी हैं। भक्ति का परम फल प्रेम है और तृप्त न होना ही प्रेम का स्वभाव है। भक्ति रसकों का यही मत है कि भक्ति के गौण फल मोक्ष आदि में आत्मारामता में जो अति निकृष्ट पदार्थ हैं उनमें हमारी कभी रुचि ना हो। भक्ति के बिना भी यह आत्मारामता प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धांत में भी मन के संतुष्ट होने की कोई बात नहीं है, बल्कि श्रीमद् भागवत इंद्रगण परम रसिक भक्तों के मत में भक्ति का यही एक महान गुण ही है। स्वधर्म आचरण स्वरूप बहिरंगा भक्ति से चित्त शुद्ध होकर आत्मारामता प्राप्त होती है, अतः यह स्वधर्माचरण भक्ति का बहुत अल्पफल है, परंतु श्रवण कीर्तन आदि अंतरंगा भक्ति का परम फल प्रेम ही है, जो आत्मारामता के सिद्ध हो जाने पर भगवत चरणारविंद का भजन करते हैं। वे जल्द ही बिना विघ्न के भक्ति के निष्ठा रूप परम सुख को अनुभव करते हैं। भक्ति सुख के अनुभव करने वाले भक्त और अनुभवी भगवान एवं अनुभूति व अनुभूति के कारण वृत्तियाँ तथा समस्त इंद्रियाँ अनेक प्रकार की स्फूर्ति प्राप्त करती रहती हैं, परंतु आत्मारामियों को समाधि अवस्था में एक ही स्फुट या शून्य में सुख का अनुभव होता है, जिसका मनोवृत्ति के अभाव के कारण विस्तार नहीं होता, परंतु भक्तों के विशुद्ध चित्त में वही शुद्ध अधिकता से प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश स्फटिक मणिमय पर्वत पर अधिक रूप से प्रस्फुटित होता है, इसलिए समाधि से प्राप्त हुआ जो मोक्ष सुख है, उस मोक्ष सुख की अपेक्षा भक्ति का सुख अधिक है। वह सुख भक्त वत्सल श्री भगवान की कृपा माधुरी से ही प्राप्त होता है। मुक्ति सुख से भक्ति सुख बिल्कुल विपरीत है। मुक्ति सुख सदा एक रूप है और भक्ति सुख विविध प्रकार का एवं अद्भुत है। भक्ति सुख श्री कृष्ण की श्रेष्ठ भक्ति की विलास माधुरी से परिपूर्ण है। भक्ति तत्व को नहीं जानने वाले उस सुख को तर्क द्वारा नहीं समझ सकते हैं। श्री भगवान सर्वदा एक रूप होते हुए भी अपनी शक्ति से अपना तथा अपनी भक्ति का प्रतिक्षण नव नव विचित्र सत्सत माधुर्य प्रकाशित करते रहते हैं, जो अभक्तों के लिए दुवितर्क है। अतः
वह उस वैचित्र्य को निश्चय नहीं कर पाते हैं। यही उस पर ब्रह्म की परब्रह्मता तथा परमेश्वरता है। यही अपने भक्तों के प्रति उनकी करुणा की पराकाष्ठा भी है, जिससे वे इस प्रकार की विचित्र रूप माधुरी अनुभव करते हैं। इस प्रकार का अनुभव ही उन भक्तों के आनंद की स्वाभाविक चरम सीमा है, जिससे वह ब्रह्म सुख को भी ठुकरा देते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों को अपने विविध प्रकार के आनंद माधुरी को निरंतर अनुभव कराने के लिए उनकी समस्त इंद्रियां तथा उन इंद्रियों की वृत्तियां प्रदान करते हैं। जैसे भगवान माया से अतीत होते हुए भी नित्य विविध प्रकार की इंद्रियों को स्वयं स्वीकार करते हैं, नित्य अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी जिनके ऐश्वर्य तथा विविध प्रकार के लीला गुण तथा विभूतियां नित्य हैं, जो नित्य दासों की सेवा ग्रहण करते हैं, जिनकी उपासना तथा लोक भी नित्य हैं। हे गोप कुमार, वे श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। यद्यपि उस भक्ति रूपी कोमल श्रेष्ठ रस में अज्ञानी लोग ही कठोर तर्क रूपी कांटे का प्रयोग करते हैं, तो भी जिन नवीन साधकों की सहायता जो मुक्ति में आ सकती है, उनके उस दोष को दूर कर भक्ति में प्रवृत्त कराने के लिए तथा उनको आनंद प्रदान करने के लिए हमने यह मार्ग दिखलाया है। हे गोप कुमार, यदि आप मोक्ष की तुच्छता को अनुभव कर विशुद्ध भक्ति में निष्ठा रूपी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने उस मंत्र का ही जप कीजिए और इस विषय में हृदय को आनंद प्रदान करने वाले गुण तत्व को सुनिए। यह है ब्रह्मांड, जिसका परिमाण 50 करोड़ योजन है और जिसके बाहर इस ब्रह्मांड के परिमाण से 10-10 गुना उत्तरोत्तर अधिक 8 आवरण हैं। उन 8 आवरण के पार होकर मुक्ति पद आता है, जो कि नित्य है। यहाँ प्राकृतिक कारण और कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको महाकालपुर भी कहते हैं। विद्वान लोग वाणी से अगोचर उस लोक के स्वरूप को अपने अपने मतों के अनुसार साकार तथा निराकार कहकर वर्णन करते हैं। भगवत भक्त भी अपनी इच्छा से वहां जाकर मनोहर घनीभूत परब्रह्म का दर्शन करते हैं। इसलिए आपकी दीर्घकाल से वहां जाने की जो अभिलाषा है, वह आपके इस श्रेष्ठ मंत्र के प्रभाव से साक्षात फलीभूत हो जाएगी। यदि आप दीर्घकाल तक प्रतीक्षा ना करना चाहते हो, तो आप मथुरा मंडल में अपनी ब्रजभूमि पर जाकर इस मंत्र का जप कीजिए। भक्ति शास्त्र ने कहा, हे गोप कुमार, आपने जो भगवत दर्शन करने की चिरंतनी अभिलाषा है, उसकी पूर्ति के लिए आप अपने मंत्र का जाप करें और उससे अप्राकृतिक लोक की प्राप्ति करेंगे। आगे यह भी कहा गया है कि आप दीर्घ काल तक यह प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो ब्रजमंडल में जाकर इस मंत्र का जप करें, जिससे शीघ्र ही आप उस अप्राकृतिक लोकों को प्राप्त कर सकेंगे। इस बात के कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग उस ब्रह्म लोक में जाते हैं, उनमें जो भोग अनुरक्त हैं, वे इस पुनः मृत्यु लोक में चले आते हैं, और जो विरक्त हैं, वे महाप्रलय के समय ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। द्विपरार्ध काल बीतने पर ही महाप्रलय होता है, अतः महाप्रलय पर्यंत उनको प्रतीक्षा करने पर ही आप मोक्ष लाभ कर सकोगे। अतः आप शीघ्र ही अशेष मनोरथ को पूर्ण करने वाले अपने प्रियतम उस श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन आदि श्री भगवत क्रीड़ा भूमि पर चले जाइए, जहां आपको अति शीघ्र ही अवलिषित पद की प्राप्ति हो जाएगी। श्री गोप कुमार बोले, हे माथुर ब्राह्मण, उन वेद शास्त्रों के वचनों में से मेरी भगवान में अधिक भक्ति बढ़ गई, इसलिए मेरे हृदय में यह विचार हुआ कि जिन भगवान की भक्ति की महिमा इस प्रकार की है, वे साक्षात मुझको पिता स्वरूप से प्राप्त हुए हैं, इसलिए बड़े दुख की बात है उन्हें छोड़कर मुझे अन्यत्र कहीं जाना चाहिए। इसके पश्चात उन दयालु तथा सर्व अंतर्यामी भगवान ने मेरे चित्त को उद्विग्न देखकर स्वयं इस प्रकार आदेश दिया। श्री भगवान बोले, हे गोप कुमार, तुम उस मथुरा मंडल अंतर्गत ब्रजभूमि में जाओ, जो मुझको अति प्यारी है, जो मेरी विविध प्रकार की विहार स्थलियों से विभूषित है, जिसमें स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी तृण जन्म पाने की प्रार्थना करते हैं, और जो बहुत काल व्यतीत हो जाने पर भी
पहले की तरह सुशोभित है। वहां तुम मेरे परम प्यारे अपने गुरुदेव को फिर प्राप्त करोगे, जिनकी कृपा से तुम स्वयं पूर्ण रूप से सब कुछ जान जाओगे। तुम मुझको महाकालपुर अर्थात मुक्तिलोक में जल्दी ही देखकर मनोहर परम आनंद को प्राप्त करोगे। वहां तुम मेरी कृपा के प्रभाव से स्वच्छंद इधर उधर भ्रमण करके सैकड़ों परम आश्चर्यजनक विषयों का अनुभव करोगे। हे पुत्र, हे गोप कुमार, कुछ काल के बाद तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और तुम मेरे साथ वृंदावन में स्वच्छंद व्यवहार करोगे। इस प्रकार से वहां के जगदीश भगवान ने इन गोप कुमार को आदेश दिया। अब गोप कुमार आगे कहते हैं, श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, मैं उन भगवान की आज्ञा से हर्ष तथा शोक में आविष्ट होकर इस मनोहर वृंदावन में मन के अति तीव्र गति से कल क्षण क्षण कल में ही आ गया। कहने का भाव है, मैं उन श्री भगवान की आज्ञा से हर्ष और शोक में आविष्ट हुआ और इस मनोहर वृंदावन में मन के तीव्र गति के वेग से एक क्षण में ही आ गया। अब इस अध्याय का सार प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय का संक्षिप्त विषय इस प्रकार है कि श्री गोप कुमार प्रथमतः स्वर्गलोक में गए और वहां उन्होंने श्री नंदन वन में रहकर अमृत आदि दिव्य पदार्थों का भोग किया तथा श्री भगवान उपेंद्र विष्णु के दर्शन किए। श्री बृहस्पति के आदेश अनुसार वहां उन्हें इंद्रप्रत की प्राप्ति भी हुई, परंतु स्वर्ग में भी उन्होंने भय ईर्ष्या स्पर्धा आदि का अनुभव किया तथा श्री भगवत दर्शन की उनकी चिरंतनी अभिलाषा भी वहां पूर्ण न हो सकी। इसके बाद वे महरलोक में गए, उन्होंने श्री योगेश्वर भगवान के दर्शन किए। महर्षियों ने महरलोक में वास करने वाले की योग्यता अर्थात ब्राह्मणत्व उनको प्रदान करना चाहा, परंतु श्री गोप कुमार ने उसे अंगीकार नहीं किया। उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ प्रलय काल में संसार के जल में ताप पहुँचता है और वहाँ के निवासी तपलोक में चले जाते हैं। क्रमशः उन्होंने वहाँ तपलोक की महिमा भी श्रवण की और वहाँ से तपलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री सनकादि आत्मा रामगण के दर्शन किए। उस लोक में उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा रामदा के कारण उनकी भगवत दर्शन की इच्छा ही लुप्त होने लगी, जिससे वे वहाँ से पुनः नीलाचल क्षेत्र में जाकर श्री जगन्नाथ के दर्शन करने की उत्सुक हो उठे। श्री प्रपलायन मुनि ने श्री भगवान के नेत्रों द्वारा दर्शन करने की अपेक्षा मन द्वारा ध्यान एवं समाधि में दर्शन करने की महिमा का गान किया, परंतु श्री गोप कुमार जी को संतोष न हुआ। श्री सनकादि मुनियों ने उन्हें वहां अनेक भगवत स्वरूपों के दर्शन भी कराए, परंतु वे वहां से ब्रह्मा के सत्यलोक में चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां सत्यलोक की महिमा भी श्रवण की थी। ब्रह्मलोक में आकर श्री गोप कुमार को ब्रह्मा पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। वहां भी उन्होंने काल का भय विद्यमान पाया। ब्रह्मलोक में उन्होंने मुक्तिलोक सिद्धलोक की महिमा सुनी। मुक्ति के साधन तथा मुक्ति की महिमा का भी उन्होंने बहुत से मूर्तिमान उपनिषदों एवं देव और देवताओं से सुना, किंतु मूर्तिमान श्री भागवत आदि शास्त्रों ने मुक्ति से बढ़कर भक्ति की महिमा का गान किया और मुक्ति को भक्ति का अवान्तर फल अनायास में ही प्राप्त होने वाला कहकर वर्णन किया। इसी प्रसंग में मुक्ति के तथा भक्ति के स्वरूप का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। मुक्ति में केवल दुख निवृत्ति है, सुख का नितांत अभाव है। आत्मारामता तथा मुक्ति ये भक्ति के ही अवान्तर फल है, अति तुच्छ एवं गौण फल है। मुक्ति में सुख की कल्पना मात्र कर ली गई है। मुक्ति चाहने वाले निरस हृदय संसार ताप से तप्त मनुष्यों द्वारा वस्तुतः सुख की पराकाष्ठा भक्ति में ही है, जिसके द्वारा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति होती है। भक्ति का सुख अतिशय उत्कृष्ट एवं नाना विधि परम वैचित्र्यमय है, जो केवल श्री भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री गोप कुमार सत्यलोक में भक्ति सुख के लिए जब उत्कंठित हो उठे तब श्री भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्र श्री वृंदावन भूमि में चले जाओ और वहाँ अपने श्री गुरुदेव के दर्शन करोगे और उनकी कृपा से अतिशीघ्र मुक्ति लोक में मुझे पाकर परमानंद प्राप्त करोगे। श्री गोप कुमार
भगवत आज्ञा को पाकर श्री वृंदावन में चले आए, क्योंकि सत्यलोक से मुक्ति लोक में जाना संभव नहीं है, जिसका कारण यह है भी है। परंतु श्री वृंदावन धाम में भक्ति साधनों के द्वारा उस मुक्ति पद का प्राप्त करना सहज सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत अमृत में श्री गोलोक महाखंड में ज्ञान नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।